कई साल पुरानी बात है, हम लद्दाख घूमने जा रहे। चार दोस्त गए थे, पैकेज ले रखा था और पैकेज में ब्रेकफास्ट फ्री था। जिस होटल में हम रुक रहे थे गजब का ब्रेकफास्ट मिला करता। और हम रोज देखा करते लोग ब्रेकफास्ट पे इसे टूट पड़ा करते, जैसे का अगत कदे रोटी खानी है नहीं। बुफे होता था, कोई कितना है खाओ कम में खाओ, और उस कम में फ्रूट भी थे, केक भी थे, ऑमलेट, डोसा, इडली, कैलोग्स और न जाने क्या क्या काट के रखा होता था। आप ऑमलेट खाओ, पक्का उड़वा के अंडा खाओ, कुछ भी खाओ, दूध, कॉफी, दही, मक्खन, सारी चीज। ये ज्यादातर लोग क्या करा करते, बस सुबह सुबह इतना ठूस लो कि सारा दिन नहीं तो कम लंच की जरूरत ना पड़े। इस चक्कर में कई तो वारिश ही खाने जाया करते, पहले बाट देख लिया करते और वारिश ही खाया करते। 10:30 बजे बुफे खत्म होया करता, 10:15 बजे डाइनिंग हॉल ठसा ठस भरा होता। कोई तो 2 गिलास जूस के ठा रहा है, कसम साथे ले रहा है, एप्पल जूस भी ले रहा है और ऑरेंज जूस भी ले रहा है, 1 गिलास दूध का भी भर के ले रहा है, बाबू साहब कॉफी धर रहा है और श्रीमती जी ने कहने लग रहा है मेरे लिए चाय भी ले आना। और लेडीज बड़का के लाग रही ठूसन, नहीं मम्मी मैं नहीं खा सकता, अरे खा ले, बुद्ध कितना बढ़िया ऑमलेट है। और कई से पट्ठे हुआ करते, आधे घंटे तक फ्रूट का राउंड चाली जाया करता। और उसके बाद चिणाई कराया करते चावल की, और फिर डोसा इडली की में फंस जाओ। वो ये सारी चीज फ्री की, पेट तो वो ऐसे ना, और मेरे या बीमारी है कि मैं एकदम तक गणा ही नहीं खा सकता। खुराक तो ठीक है पर धीरे धीरे खा सकूं। और वे लोग न्यू झुटे रहा करते, जैसे ही 10:30 बजे आ करते ना, बूफे तो बंद हो जाया करता और ज्यादातर लोगों की प्लेट ठसा ठस। कोई 2 ऑमलेट धर रहा है, कोई ब्रेड पर बटर लाई बैठा है, कोई जैम इतनी धर रहा है कि प्लेट में नावड़ती नहीं। और जूस का तो जिक्र कौन है, जूस भी पी लिया, चाय भी पी ली, जब कॉफी पीने के चक्कर में है। और जब बालक सारी चीज ना खाता ना, तो आस्ते आस्ते माँ खिसकने लग जाती, पहले बालक ने भेजती और फिर खुद खिसक जाती, और प्लेट न्यू की भरी छोड़ जाया करते। पेट पाटना मंजूर से, पेट खराब करना मंजूर से, पर छोड़ना मंजूर नहीं। होटल वाला ने कह मैं ले लिया वो ले लिया, पर खाने में तसल्ली हो सकती हो ना, तो ज्यादातर लोग करके जाओगे। ब्रेकफास्ट में ऐसी चनाई कर दें कि घने कदर की। थोड़ा सा पाछे मुड़ के देखा जाना, यो उदाहरण हमारी जिंदगी पर स्टीक बैठे। दुनिया भर का पैसा जोड़ दिया, रिश्वत का जोड़ दिया, कमा के जोड़ दिया, धोखाधड़ी करके जोड़ दिया, और किसी का हक मार के जोड़ दिया और ढेर ला दिया, जबकि नू बेरा से हम खर्चा तो एक लिमिट तक ही कर सका। हाँ, उसके बाद तो बाढ़ खर्चेंगे, अरे बड़े कौन सा पार्ट देखें थर खर्चे की, लेकिन फिर भी इतना सारा जोड़ के दर देंगे। और उसमें मैं हूं चाहे आप हो, ये जिंदगी का एक फलसफा है कि हम वो सब एकत्रित करते रहते हैं जो हमने कदे बरतना नहीं। वो सारा खाना हम टेबल पर लाके दर दें जो खाया नहीं जा सकता, और आखिरी में उसने छोड़ के चले जाए। जीवन में बचत करना अच्छी बात है, पर इतनी गरठ भी नहीं लानी चाहिए कि होटल वाले का कचूमर काटने के इरादे से उसे होटल में रुक। भगवान ने यह जिंदगी दी है, यह ठीक तरीके से जीनी तो आनी ही चाहिए। किसी दूसरे का हक मार के और हम इतना सारा जोड़ के चले भी गए तो कौन सा बड़ी बात होगी। कोशिश करनी चाहिए कि हम उतना ही जमा करें जितने की जरूरत हो, जितना जरूरी हो।